अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद ओ भद्रं कर्णे श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति नैन्द्रो वृद्ध्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु माया उपाधि से ईश्वर कहलाते हैं, तो ईश्वर से ही सृष्टि होती है, शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती है। जैसे शुद्ध एकाकी ब्रह्मचारी पुरुष से सृष्टि नहीं होती है और न ब्रह्मचारिणी स्त्री से ही हो सकती है, जब भी सृष्टि होगी तो यदि ब्रह्मचारी पुरुष को सृष्टि की इच्छा हो उसको पत्नी स्वीकार करना पड़ेगा, तो पत्नी के द्वारा सृष्टि करेगा, संतान करेगा। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी जो स्त्री है उससे भी अकेली सृष्टि नहीं होगी। यदि सृष्टि संतान की इच्छा है तो उसको कोई पति स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से पति और पत्नी दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं, अकेले सृष्टि नहीं होती है। ऐसे ही जो शुद्ध ब्रह्म है वो एकाकी अकेला ब्रह्मचारी पुरुष के समान है, उससे सृष्टि नहीं हो सकती और केवल माया से प्रकृति से भी सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए जब ब्रह्म माया पति बनता है तो माया रूपी पत्नी के द्वारा सृष्टि करता है। तो व्यापक विष्णु शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, परंतु जब सृष्टि की इच्छा भई तो माया रूपी पत्नी को स्वीकार किया, उससे सबसे पहले पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा को देखा कि शोक मोह से युक्त है, तो शोक मोह से मुक्त करने के लिए वेद का उपदेश दिया। कर्म उपासना ज्ञान ये त्रिकांड में वेद का उपदेश दिया। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। कर्म उपासना ज्ञान, कर्म से क्या होता है? कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम दूसरा निष्काम। जो स्त्री पुत्र धन की इच्छा से कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, और जो भगवान के पाने के लिए कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। प
परंतु स्त्री पुत्र धन जो है ये नाशवान है, कर्मों से सब मिलेंगे परंतु फिर भी नाश हो जाएंगे, अविनाशी नहीं है कोई स्त्री पुत्र धन, और अपना शरीर भी नाशवान है। सकाम कर्म से ये संसार मिलता है, कर्म से दोनों चीज मिलती है, संसार भी भगवान भी, अविनाशी भगवान भी। तो जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र में चली जा रही हैं, दौड़ती हुई समुद्र में गिरती हैं, ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष के पास में संसार की सुख संपत्ति बिना बुलाए दौड़े हुए चले आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु संसार की सुख संपत्ति नाशवान है, जैसे स्वप्न की सुख संपत्ति कितने दिन रहेगी और स्वप्न का राज्य कितने दिन चलेगा। नींद आ गई तो स्वप्न का राज्य खत्म हो गया, और जाग पड़ा तो भी स्वप्न का राज्य खत्म हो गया। ऐसे ही ये जागृत का जगत है, स्वप्न के समान। सारे संसार का राज्य मिल भी जाए तो कितने दिन ये सारे संसार का राज्य चलेगा। आज है कल नहीं रहेगा। हमारे आपके देखते देखते कितने राजा बदल गए और कितने मर गए। ये सदा नहीं रहता है, क्योंकि संसार उत्पत्ति नाशवान है, भगवान की माया से उत्पन्न होता है, तो अविनाशी कैसे हो सकता है। जिसकी उत्पत्ति है उसकी नाश अवश्यंभावी है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, माने अटल है, और जिसकी मृत्यु है उसका फिर जन्म है। एक आत्मा ही अविनाशी है, जिसका जन्म मरण नहीं होता है। इसलिए आत्मा के परमात्मा के पाने के लिए जो कर्म किए जाएं, वह परंपरा से भगवत दर्शन के, भगवत ज्ञान के हेतु बनते हैं, साधन बनते हैं। निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। यदि कहो भगवान की पाने की कामना भी तो कामना है, निष्काम कैसे हुआ, तो कामना से जो कर्म किए जाते हैं, कर्म में दुख होता ही है, तो भगवान के पाने के लिए भी जो कर्म किए जाएंगे, विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता और निष्काम कर्म और भक्ति भाव, ये भी सब कर्म है। कर्म में श्रम होता ही है और दुख होता है श्रम से। तो एक नियम बताया है, बात ठीक है, भगवान जब तक ना मिलें तब तक तो दुख रहता ही है और कर्म करना ही पड़ता है, निष्काम कर्म चालू रहता है, भक्ति चालू रहती है। तो कहते हैं कंटकेन कंटको धारा, विषस्य विषम औषधम। कहते हैं कोई शरीर में किसी ने विष खिला दिया,
अब वो शरीर विष के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस विष को शांत करने के लिए एक दूसरे विष का इंजेक्शन देते हैं। तो प्रथम जो किसी ने विष दिया है उस विष का वो नाश कर देता है, और ये विष स्वयं ही बिना कुछ विकार किए शांत हो जाता है शरीर में। जो इंजेक्शन से विष दिया गया है वो विकार उत्पन्न नहीं करता, प्रथम विष को नाश करके आप भी शांत हो जाते। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टांत है कंठ के न कंठ को धारा। जैसे गऊ चराने वाले जो ग्वाल बाल हैं, कोई नंगे पैर हैं तो उनके पैरों में कांटे लग जाते हैं, तो कांटे निकालने का साधन वहाँ और कोई सुई नहीं है ना नहानी है, तो कांटा ही कांटा निकालने का साधन बनता है वहाँ। एक बड़ा कांटा तोड़ते हैं पेड़ से बबूल के और वो छोटे कांटों को निकाल देते हैं, फिर बड़ा कांटा भी फेंक देते हैं। तो छोटे छोटे जो कांटे थे कष्ट दे रहे थे, तो वो छोटे कांटों का कष्ट दूर करने के लिए थोड़ा सा बड़े कांटे का भी कष्ट सहता है, क्योंकि स्वयं ही गड़ाता है वो। तो पहले कांटे तो अनजान में लग गए, और ये जानबूझकर उन कांटों को निकालने के लिए गड़ा रहा है, कष्ट तो इसमें भी होता है। परंतु छोटे कांटे सब निकाल करके फिर बड़ा कांटा भी फेंक देता है, तो पहले कांटों के दुख से और जो गड़ाया था अपने आप छोटे कांटों के निकालने के लिए, इस बड़े कांटे के कष्ट से मुक्त हो गया, छूट गया। इसी प्रकार से भगवान के पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ये एक बड़े कांटे के समान है, और छोटे छोटे जो कामना रूपी स्त्री पुत्र धन राज्य पाने के लिए जो कष्ट हो रहा था, उन कष्टों को निवारण करके और भगवत प्राप्ति होने पर ये कांटा भी शांत हो जाएगा। तो प्रथम कष्टों को तो निवारण कर दिया ये भगवत प्राप्ति की जो कामना भाई ये कांटे ने, तो पहले वाले कांटे तो गए, अब यही एक कांटा रह गया, भगवत प्राप्ति होने पर ये भी निवृत्त हो जाएगा, फिर निष्काम कर्म की भी जरूरत न पड़ेगी। इस न्याय के अनुसार भगवान के पाने की जो इच्छा है वो सब कष्टों को दूर करने वाला है परंपरा से। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ये निष्काम कर्म मन के मैल को धोने वाले, मन में मलिनता है, पाप से मन मलिन होता है, जो पाप करता है पापी होता है, चोरी करता है, डाका डालता है, किसी को हिंसा करता है, वो पाप ही उसके चित्त को जलाते रहते हैं, वो सुख से सोने नहीं पाता है, पापी आदमी बहुत दुखी रहता है, और सरकार का भी डर लगा रहता है कि सरकार पकड़ेगा मुझको, तो भागा भागा फिरता रहता है, जंगलों में छिपता है, बहुत दुखी रहता है, और उसके पाप स्वयं भी उसको बहुत दुखी करते रहते हैं। तो इस जन्म के अथवा और पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप हैं, वो भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म से वो सारे ही पाप दूर हो जाते हैं, तो मन में शांति आ जाती है।
सारे पाप दूर हो गए। तो निष्काम कर्म का फल क्या हुआ? अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता, ये निष्काम कर्म का फल हुआ। इसके बाद में भक्ति कांड आता है। भक्ति कांड में केवल भगवान का ही ध्यान चिंतन रहता है, फिर कर्म कांड छूट जाता है। ये तीन कांड कक्षा क्रम से चलते हैं। प्रथम कक्षा कर्म कांड की है, दूसरी कक्षा भक्ति कांड की है, तीसरी कक्षा ज्ञान कांड की है। तो जैसे जब विद्यार्थी प्रथम कक्षा को पास कर लेता है तब दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है, तो प्रथम कक्षा छूट जाती है। अब जब दूसरी कक्षा को पास कर लेता है तब तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है, तब दूसरी कक्षा भी छूट जाती है। जब तीसरी कक्षा पास कर लेता है तब चौथी कक्षा में प्रवेश होता है। पहले से ही दूसरी या तीसरी या चौथी कक्षा में कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि गिनती दो से तीन से शुरू नहीं होती। गिनती एक ही से प्रारंभ होगी, एक दो तीन, यहाँ से ही कोई भी गिनेगा तो पहले एक ही गिनना पड़ेगा, इसके बाद में ही दो तीन आएंगे, पहले से नहीं। इसलिए पहले से ज्ञान कांड या भक्ति कांड नहीं आए, ये कक्षा क्रम है अथवा सोपान क्रम है। सोपान कहते हैं सीढ़ी को, जीना को। जब किसी को ऊपर छत में जाना होता है तो सीढ़ी से या जीने से ही चढ़ेगा। तो पहली सीढ़ी में उसको पहले पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरी सीढ़ी में पैर रखेगा, तब पहली सीढ़ी से पैर उठा लेगा। अब जब तीसरी सीढ़ी में पैर रखेगा तो दूसरी सीढ़ी से पैर उठा लेगा। इस प्रकार से पूर्व पूर्व की सीढ़ियों से पैर उठाता हुआ ऊपर ऊपर की सीढ़ियों में पैर रखता हुआ ऊपर छत में पहुंच जाएगा। पहली सीढ़ी में पैर ना रखे, दूसरी या तीसरी या चौथी सीढ़ी में पैर रखता कोई देखने में नहीं आता है कि छलांग मार करके ऊपर की सीढ़ियों में पैर रखे। इसको सोपान क्रम कहते हैं। इसी प्रकार से वेद की ये सोपान क्रम है। प्रथम सीढ़ी निष्काम कर्म की है, दूसरी उपासना कांड की है, तीसरी ज्ञान कांड की है। तीसरी सीढ़ी के बाद में फिर तो भगवत धाम ही मिल जाता है चौथे में। तो सज्जनों, ये कक्षा क्रम बताया गया या सोपान क्रम बताया गया। अथवा पड़ाव क्रम है। जैसे किसी को बद्री नारायण जाना है तो बीच में पहले पैदल लोग चलते थे तो रास्ते में बहुत पड़ाव बने हुए थे, दिन भर चले तो सायंकाल में पड़ाव बने थे, वहाँ विश्राम कर लेवे, भोजन बनावे खावे, रात में विश्राम करे, फिर प्रातःकाल होते ही एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में,
जावे, शाम को वहाँ विश्राम करे। हम लोग पहले पैदल गए हैं तो इसी प्रकार से गए हैं, बाबा काली कमली वाले के वहाँ धर्मशालाएँ हैं पड़ाव पड़ाव में, तो वो आटा दाल चावल देते हैं बनाने खाने को, और यहाँ से चिट्ठी लेकर जाना पड़ता है। 15-20-25 चिट्ठियाँ रहती हैं, एक कापी छोटी सी देते, एक का एक पन्ना फाड़ के दे दो वहाँ दुकानदारों को, वो सब सामान दे देते हैं और बर्तन दे देते हैं, बनाओ खाओ विश्राम करो, फिर दूसरे दिन चल दो। तो सज्जनों, ये पड़ाव क्रम है, तो पहले चलेगा तो पहले पड़ाव में उसको रुकना ही पड़ेगा, पहले पहल तो दूसरे तीसरे पड़ाव में नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से ये कर्म कांड का पहला पड़ाव है। बद्री नारायण का दर्शन यहाँ पर समझ लो चौथे पड़ाव में होता है। तो प्रथम पड़ाव, दूसरा पड़ाव, प्रथम पड़ाव कर्म कांड का है, संपूर्ण हो जाए आगे बढ़े भक्ति कांड में बढ़े, तो जब आगे बढ़ता है तो पहला पड़ाव छूट जाता है, उसी पड़ाव में नहीं बैठा या पड़ा रहता। अब जब दूसरे पड़ाव से चलता है तो दूसरा पड़ाव भी छूट जाता है, तीसरे पड़ाव में पहुंचता है। और यदि कोई प्रथम पड़ाव में ही डेरा डाल देवे तो आगे दर्शन नहीं कर सकेगा, कर्म कांड में ही पड़ा रहे तो आगे दर्शन नहीं हो सकेगा, चौथे पड़ाव में नहीं पहुंच सकेगा। या भक्ति कांड दूसरा पड़ाव है, इसी पड़ाव में पहुंच जा, इसी में डेरा डाल दो, आगे बढ़े ही नहीं तो भी भगवान का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान कांड तीसरा पड़ाव है। माने तीनों पड़ाव पूरा कर चलना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर्वत में चढ़ने के लिए पड़ाव है, तैसे ही साक्षात नारायण के दर्शन के लिए वेद रूपी पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। पावन पर्वत वेद पुराना, पवित्र पर्वत ये वेद पुराण है, कथा तुम्हारी सरित सर नाना। भगवान की जो कथा है वही निर्मल सरिता है, गंगा जी है। तो सज्जनों, इस प्रकार से जब तक भगवान को पा न जाए साक्षात नारायण को, तब तक इन पड़ावों से चलते ही रहना चाहिए, बीच में डेरा नहीं डालना चाहिए। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम्, जब चित्त शुद्ध हो जाए, कैसे जाने कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया, जब विषयों से वैराग्य हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए, तब समझे हमारा मन अब शुद्ध हो गया है। उसके लिए भगवान आज्ञा करते हैं, सर्व कर्मान सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, निष्काम कर्म से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब धर्म कर्म छोड़ देना चाहिए। तब उसका यही धर्म है कि रात दिन भगवान का ही भजन पूजन ध्यान चिंतन करे, भगवान की ही कथा सुने, गीता रामायण पढ़े, माने इंद्री मन बुद्धि सब भगवान में ही लगाए रखे, संसार में अब ना लगावे। वो तो कर्म योग में था, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सबका पालन पोषण था कर्म योग में, परंतु निष्काम भाव से था,
भगवत प्राप्ति के अर्थ था, भगवान की आज्ञा मान के ये सब कर्म करता था अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार। अब भक्ति कांड में कहते हैं भगवान, अब सब जगह से अहमता ममता हटा ले वे, केवल मुझ में ही ममता रख है। जननी 10 जगह पर मन, मनुष्य का मन 10 जगह पर जाता है। जननी अजनक, बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबका ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बटी डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। ऐसा सज्जन, ऐसा भक्त भगवान राम ने बताया कि मेरे हृदय में निवास करता है, क्योंकि उसका मन इन 10 जगह से हट करके, समेट करके केवल मेरे चरणों में ही लग गया है। अब यही ममता के विषय थे 10 जगह, जननी है, जनक है माने माता पिता, बंधु है, सुत है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, तन धन भवन सुहृद परिवार, इन्हीं जगह पर मन पहले जाता था, अब सब जगह से हटा लिया। इनमें ममता थी पहले, अब ममता हो गई केवल भगवान में। ममता माने मेरापना, अब मेरा है तो भगवान है, बस ये भक्ति का बताया। भक्ति कांड में केवल भगवान होते हैं और कोई नहीं होता है। तो इस भक्ति से क्या होता है कि अनेक जगह पहले कर्म योग में मन जाता था, सबकी सेवा करना पड़ता था तो चंचलता रहती थी, अब और जगह तो कहीं जाना नहीं है, एक भगवान में ही लगना है, इसलिए चंचलता का अवसर नहीं है, क्योंकि एक ही ध्यान चिंतन है, दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं है। भगवान की कथा सुनना ये भक्ति है, मन एकाग्र हो जाता है भगवान की कथा में, सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, मन शांत है, और कहीं मन जाने का कोई विषय है ही नहीं। तो मन को शांत करने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए भगवान कहते हैं भक्ति कांड है। चंचल मन में भगवान का ज्ञान नहीं होता है, शांत मन में ही होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म से मन को पहले निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना, और भक्ति से निश्चल बनाना, चंचलता दूर करना। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम और एकाग्र्यार्थम उपासना, मन को एकाग्र शांत बनाने के लिए उपासना कांड है। इसके बाद में फिर ज्ञान कांड आता है, और विवेक वैराग खर संपत्ति मुमुक्षुता ये चतुष्टय साधन होते हैं, इतना साधन करना पड़ता है, फिर गुरु की शरण में जाना होता है। अब इसका लक्ष्य है केवल उस ब्रह्म तत्व को जानना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्वाणि
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसी मुंडक उपनिषद में ये मंत्र आया हुआ है। कहते हैं ब्राह्मण कर्म से प्राप्त होने वाले लोक और परलोक के भोगों की परीक्षा करके देख करके और फिर वैराग्यवान हो जाए। वैराग्यवान होकर के फिर उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास जावे। और गुरु भी कैसा होवे? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होवे। श्रोत्री होवे माने श्रुति को, वेद को, उपनिषदों को सम्यक प्रकार से जानता होवे। और उपनिषद वेद ब्रह्म में उसकी निष्ठा होवे। इस प्रकार से श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दोनों होवे, ऐसे गुरु के पास में जावे। केवल श्रोत्री होगा, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो श्रुति का उपदेश तो वो कर देगा, परंतु कल्याण तो ब्रह्मनिष्ठा से ही होती है, मुक्ति तो ब्रह्मनिष्ठा से ही मिलती है, इसमें संदेह नहीं। श्रोत्री गुरु भी उपदेश तो ठीक ठीक कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब वो जो शिष्य सुनेगा श्रुति, यदि वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उपदेश तो श्रोत्री गुरु कर ही देगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि श्रुति को जानता है, अर्थ भी जानता है, भाष्य के अनुसार अर्थ भी कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। तो श्रुति पढ़ा देगा। अब शिष्य की निष्ठा के ऊपर बात, शिष्य भी यदि श्रोत्री ही रह जाएगा तो अपना कल्याण नहीं कर सकेगा, दूसरों को वो भी पढ़ा सकेगा। और वो यदि ब्रह्मनिष्ठ होगा तो अपना कल्याण कर लेगा। मान लो श्रोत्री नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है, तो गुरु का कल्याण नहीं होगा, उससे इसको क्या मतलब है? अपनी निष्ठा से मतलब है। गुरु के भोजन करने से शिष्य की भूख तो नहीं मिटेगी, और शिष्य के भोजन कर लेने से गुरु की तृप्ति तो नहीं होगी भाई, अपने आप भोजन करने से तृप्ति होगी। इसलिए गुरु को दोष न देवे, उसने तो तुमको श्रुति तो पढ़ा दिया ना, इसमें तो संदेह नहीं ना है। अब उसकी निष्ठा की उसकी बात है। इसलिए श्रुति पढ़ ले वे। अच्छा, जो श्रोत्री गुरु होता है तो शिष्यों के शंका समाधान भी अच्छा कर सकता है, और जो श्रोत्री नहीं है वो भी ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, जो श्रुति वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं। अर्थ ज्ञान से गुरु अर्थ समझाता है ना, वेद मंत्र याद हो चाहे मत हो, अर्थ से प्रयोजन है, उससे भी उसका कल्याण हो सकता है, पर दूसरे शिष्यों के शंका समाधान नहीं कर सकेगा। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ दोनों होगा तो शिष्यों की शंका समाधान भी कर देगा और अपना कल्याण भी कर देगा। और जो एक होगा, श्रोत्री होगा, तो दूसरों के शंका समाधान सब कर देगा, परंतु तो अपना कल्याण नहीं कर सकेगा ब्रह्मनिष्ठा बिना। और जो केवल ब्रह्मनिष्ठ होगा तो शिष्य के शंका समाधान नहीं कर सकेगा, क्योंकि श्रोत्री नहीं है। इसलिए दोनों हो तो अपना भी कल्याण करे और शिष्यों को शंका समाधान, जहाँ प्रश्न हो उनका समाधान भी करे।
शिष्य का भी कल्याण करे। कोई संत उपदेश दे रहे थे कि जैसे ये मजना होता है, मजना जो हम भोजन बनाते हैं, कोई तवा चिमटा पतीली भगोने में चूल्हे में चढ़ाते हैं तो वो पात्र काले हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए मजना चाहिए। तो कोई घास फूस का मजना ले करके उसको मांजते हैं तो मजना काला हो जाता है। तो कहते हैं मजना तो काला हो गया, परंतु तुम्हारा पात्र तो उज्जवल साफ कर ही दिया ना, इसलिए मजने का भी एहसान है। आप काला है तो काला है, अकल्याण है तो मजने का, पर तुम्हारा तो हित कर ही दिया है उसने, तुम्हारा बर्तन तो साफ ही कर दिया है। ऐसे ही जो श्रोत्री गुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है मान लो, तो अपना कल्याण मत करें, भले ही आप काले रहें, परंतु तुम्हारा हृदय तो श्रुति पढ़ाकर साफ ही कर दिया, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान ही कर दिया, तुमको तो ब्रह्म ज्ञान करा ही दिया। इसलिए ऐसे गुरुओं का भी आदर करना चाहिए। मजने का लोग आदर करते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि रोज रोज उसे काम लेना है और है काला तो भी हमारे बर्तन साफ करता है। कैसी युक्ति है देखिए संतों की। तो कहते हैं फिर गुरु की शरण में जा करके गुरु उसको तस्मय सविद्वान उसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचिताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम। फिर गुरु का कर्तव्य बतलाते हैं कि ऐसा जो निष्काम कर्म से जिसने अपने मन का मल दोष दूर किया है और भक्ति से जिसने अपने मन की चंचलता दोष को दूर कर दिया है और सम दम आदि साधन संपन्न है, विवेक वैराग कर संपत्ति मुमुक्षुता इन साधनों से संपन्न है, सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान इन सब साधनों से संपन्न है, अधिकारी है, ऐसे अधिकारी शिष्य के लिए जिससे वो परब्रह्म परमात्मा जाना जाए उस ब्रह्म विद्या को सुनावे। अब शिष्य का धर्म है कि सावधान होकर के श्रवण करें, और कहा फिर श्रवण मात्र से ही वो ज्ञान पक्का नहीं होता है, उसको मनन करें, कई बार आवृत्ति करें, आवृत्ति असकृत उपदेशात, बारंबार उसको मनन करें, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में सकृत नाम एक बार का है, असकृत माने कई बार, तत्त्वमसि आदि इस महावाक्य का 9 बार उपदेश दिया है। तब जब गुरु 9 बार उपदेश दे रहे हैं तो शिष्य को कितने बार याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनंतरं निदिध्यासन मित्ते तत्पूर्ण बोधस्य लक्षणम्। प्रथम गुरु से श्रवण करे उस ब्रह्म तत्व को, फिर उसके अनंतर मनन करे माने कई बार आवृत्ति करे उसकी, और फिर निदिध्यासन करे तैल धारावत उस तत्व का चिंतन करे। शतेन ज्ञानम आयाति, 100 बार एक बार सुने तो 100 बार मनन करे तब वो ज्ञान आता है। सहस्रेण चतिष्ठति, 1000 बार मनन करे तब वो ठहरता है। लक्ष बारम जपेत्यस्तु प्रेत्यचेह चतिष्ठति, 1,00,000 बार मनन कर जाए तो मरने के बाद किसी कारणवश यदि जन्म हो गया
तो दूसरे जन्म में भी वो पहले जन्म का सुना हुआ ज्ञान नहीं बोलता है, इतना पक्का हो जाता है। जैसे छोटा बालक अभी विद्यालय में गया है तो पहले गिनती, पहाड़ा और ककहरा ये सब और स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, परंतु एक बार के सुनने से पढ़ने से तो नहीं आता है। उस छोटे बालक को कितने दिन याद करना पड़ता है, गिनती भी 1 2 3 4 रोज याद करके, मास्टर कहता है कल याद करके लाओ हमको सुनाओ, फिर वो आ याद करके लाता है सुनाता है, ऐसे महीनों सुनता है तब उसको पक्का हो जाता है। ऐसे पहाड़ा 2 का 2 2 2 4 2 3 6 तो एक बार तो या सुनने से आता नहीं है छोटे बालकों को, तो कई बार सैकड़ों बार रोज उसको याद करता है और फिर मास्टर को सुनाता है रोज रोज महीनों, तब जा कर के स्वर व्यंजन ककहरा और गिनती पहाड़ा उसको याद होता है। फिर जब इतने बहुत बार याद कर लेता है ना, तो फिर जीवन भर नहीं भूलता, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और यदि पहले न याद करे तो कच्चा रह जाएगा, फिर भूल जाएगा। बस हर ज्ञान की यही बात है, सुन करके उसको आवृत्ति करना, याद करना चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा। यहाँ सुनोगे और जो नहीं याद करोगे, ध्यान नहीं करोगे सुने हुए को, तो घर जाते जाते कितने लोगों को भूल जाता है, और कितने लोगों को 2 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा। इसलिए ये भाई अपने ऊपर दया करके गुरु से सुने हुए को याद करना चाहिए। तो 100 बार याद करो, 1000 बार याद करो, 1,00,000 बार याद करो, जिसमें ज्ञान पक्का हो जाए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ये उपदेश दिया त्रिकांडमय वेद का, साधन संपत्ति सब बताई। यों ही तो ज्ञान नहीं आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही सहज ही हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।